हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की थी और कंप्यूटर की हमारी दो क्लासेस हो चुकी थी। इन दो क्लासों में हमने क्या जाना था, इन दो क्लासों में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल की थी। पहली क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय जो है वो जाना था, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना था, कंप्यूटर का इतिहास जाना था। इसके बाद में जो अगली क्लास हुई थी दूसरी, इसमें हमने कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको देखा था। इसके बाद पता चला कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। उसके बाद जो क्लास थी उसी में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हमने जानी थी, हमने जाना था कि जो डिवाइस या उपकरण सूचनाओं को, डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस के रूप में हमने जाना था कि जैसे आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। और अदर बहुत सारी इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, रिकॉग्नाइजेशन OMR जो होती है ये होती है, इसी तरह से OCR, IMCR, ये सारे के सारे जो हमने बताए थे ये हमने आपको इनपुट डिवाइस बताए थे। इन इनपुट डिवाइस के बाद आपको मैं एक और इनपुट डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ आज, जो मैंने कल की क्लास में नहीं बताया था। कौन सी, एक जैसे आपने देखा होगा आजकल यूज किया जाता है QR कोड। कौन सा कोड, QR कोड। ये QR कोड क्या होता है, जैसे आप देखते हो बहुत सी बुक्स वगैरह होती है या कोई भी आप सामान खरीदते हो, इस पर इस तरह से बॉक्स बना होता है और इस पर बहुत सारे इस तरह से डॉट्स होते हैं। इस कोड को अपन QR कोड कहते हैं। कौन सा कोड, QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसको कहते हैं QR कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर। जैसे इस QR कोड स्कैनर से इसको स्कैन किया जाता है तो स्कैन करते ही उस वस्तु या सेवा की जो पूरी जानकारी होती है वो हमको मिल जाती है। और इसको अगर वेबसाइट से जुड़ा हुआ तो हम डायरेक्ट उस वेबसाइट से पहुंच जाते हैं। जैसे देखना, आप मान लो कोई बुक पढ़ते हो और बुक का QR कोड दिया है और आप उस QR कोड को अपने फ़ोन वगैरह में स्कैन करते हो तो आप उस साइट पर पहुंच जाते हो, बुक की साइट पर या ऑथर की साइट पर पहुंच जाते हो, इस तरह से, है ना। तो किसी भी वस्तु या सेवा के ऊपर QR कोड जो होता है ये उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है और हम QR कोड स्कैनर द्वारा उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से देखना दोस्तों, ये हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। इनपुट डिवाइस के बाद आपको हमको क्या जानना था, आउटपुट डिवाइस। यानी कि आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, वे डिवाइस या उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में निहित सूचनाओं को या डेटा को हम पढ़ पाते हैं, हम तक वो डेटा पहुंचता है, उस डेटा को अगर सुन पाते हैं तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हाँ, सुनना भी आउटपुट डिवाइस, यानी हम तक पहुँचे किसी भी तरीके से, देखने, छूने या और किसी माध्यम से हम तक पहुंच रही है तो सूचना अगर कंप्यूटर से हम तक आ रही है जिन उपकरणों के द्वारा, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइस। तो आपको एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले इनपुट, इनपुट का मतलब सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना। ये किसके अंदर जाती है, ये CPU के अंदर जाती है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ से सूचनाएँ बाहर हमारे पास किसके द्वारा आती है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा, आउटपुट। ये कंप्यूटर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट और CPU में जाती है, यहाँ पर सारा प्रोसेसिंग वगैरह होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ओके, इनपुट के रूप में आप कीबोर्ड, माउस वगैरह ये यूज कर सकते हैं। आउटपुट क्या है, आज आउटपुट को समझते हैं। तो वे डिवाइस जो उपकरण जिनके द्वारा सूचना हम तक आ रही है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मेन मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है, सबसे ज़्यादा जरूरी, तो नंबर एक पर अपन पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, मॉनिटर। ये मेन जो है मॉनिटर, ये मुख्य या प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। इसको VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का मतलब क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किसको कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले, विजुअल का मतलब देख रहे हो आप, देखने वाले यूनिट, जिसके द्वारा आप देखते हो स्क्रीन पर, है ना। जैसे आपके फोन की स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हो तो ये आपका विजुअल डिस्प्ले है ना। तो आइए अपन जानकारी हासिल करते हैं मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखना दोस्तों, मेनली जो मॉनिटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक बार फिर से याद दिला दूं, हम जो है राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़ रहे हैं, ये क्रैश कोर्स चल रहा है। तो क्रैश कोर्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, किसी के भी डीप में नहीं लेके जाएंगे। हाँ, डीप से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने रख दिया जाएगा। ओके, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर के तीन प्रकार में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रकार बता रहा हूँ, दैट इज़ मोनोक्रोम मॉनिटर। कौन सा है, मोनोक्रोम। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ RGB, और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कलर मॉनिटर। देखना मोनोक्रोम क्या होता है, मोनोक्रोम। मोनो का मतलब एक, जैसे आपने अगर साइंस वगैरह केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे शब्द देते हैं मोनो, बाई या डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से। तो मोनो, मोनो का मतलब
एक मतलब इसमें आपको ज़्यादा वेराइटी नहीं मिलती कलर में। यहाँ पर मोनोक्रोम मोनिटर वो होते हैं जिनमें आपको श्वेत शाम यानी कि ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। जैसे आप टीवी भी देखते हो आज के ज़माने की टीवी, और पुराने टाइम में जो टीवी चलती थी कैसे ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, मतलब या तो काला रंग और सफ़ेद रंग दो ही नज़र आएंगे, इनके अलावा आपको और कोई रंग नज़र नहीं आएगा। तो मोनोक्रोम मोनिटर कैसे होते हैं, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है इनकी, इनकी स्क्रीन पर आप रंगों को नहीं देख सकते। तो ये सबसे ओल्ड है। क्या अभी अपन यूज़ में ले रहे हैं? नहीं, अभी अपन मोनोक्रोम को यूज़ में नहीं लेते। हाँ, तो बस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक एंड वाइट या जो होते हैं ये कौन से मोनिटर होते थे, मोनोक्रोम मोनिटर होते हैं। क्रोम जो टर्म होता है ना, ये टर्म आपका कलर के लिए यूज किया जाता है, क्रोम, है ना। जैसे आप बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्रोमेटोफोर क्या, उनके पिगमेंट होते हैं इसके अंदर यानी वर्णक होते हैं। तो क्रोम टर्म जो होती है वो वर्णक या रंग के लिए यूज की जाती है, और मोनो का मतलब एक यानी इसमें ब्लैक एंड वाइट नजर आता है। दूसरा कंप्यूटर मोनिटर का जो प्रकार होता है ये RGB, RGB का मतलब क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, यानी इन मॉनिटर पर आप इन तीन रंगों को देख सकते हो। मतलब एक हिस्सा इसका रेड होता है, दूसरा इसका ब्लू होता है, तीसरा ग्रीन होता है। तो इस वाले हिस्से में आपको रेड नजर आएगा, अगले हिस्से में आपको ब्लू नजर आएगा, और नीचे वाले हिस्से में आपको ग्रीन नजर आएगा। इस तरह से जो भी इनका अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नजर आ जाएगा। तो इसमें आपको कितने रंग नजर आते हैं, केवल तीन रंग ही आपको नजर आ जाते हैं। तीसरे जो मॉनिटर होते हैं ये होते हैं कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर मतलब इनमें आप हर रंग रूप को देख सकते हो। जैसे आप आज आप देख रहे हो ये कलर मॉनिटर आपके पास है ना, आपके फ़ोन भी एक तरह से वो कलरफुल स्क्रीन नज़र आ रही है, उसमें सारे रंग नज़र आते हैं, तो दैट इज़ कलर मॉनिटर। ओके, कलर मॉनिटर को समझ लिए। आइए अब अपन मेनली अपने को क्या पढ़ना है, कलर मॉनिटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है। तो देखो कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर में जैसे आपको सबसे पहले स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये CRT मॉनिटर है। कौन सा, कलर मॉनिटर का एक उदाहरण है CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आपको बता रहे हैं अपन ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, ये है आपका LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये है आपका TFT थीन फिलामेंट ट्रांजिस्टर। देखना, ये अपन बात करते हैं किसकी, CRT की। CRT क्या होते हैं, ये पुराने ज़माने के मॉनिटर है, आज के ज़माने में इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। पुराने टाइम पे मतलब आज से मतलब 10-20 साल पहले, 15-20 साल पहले तो इनका यूज ज़्यादा होता था, क्योंकि CRT पहले ज़्यादा पाए जाते। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, यानी ऐसे मॉनिटर जिनमें कैथोड रे का यूज किया जाता है। कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे, इस तरह से एक रे होती है, ये रे को अपन कैथोड रे बोलते हैं, कैथोड रे। इस कैथोड रे में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इस तरह से आगे की जो स्क्रीन होती है स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन आकर के टकराते हैं। इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, ऊपर मैग्नेट लगाए जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ गति करते हैं तो चाहे जिस दिशा में इनको मोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर फॉस्फोरस क्या लगाया जाता है, फॉस्फोरस और अन्य प्रतिदीप्ति पदार्थ लगाए जाते हैं, जो इन्फ्लेम यानी प्रतिदीप्ति, जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से स्क्रीन पर एक चमक उत्पन्न होगी और आपको जो पिक्चर वगैरह होगी, ये पिक्चर या फोटो इमेज आपको नजर आ जाएगी, कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। तो ये कैथोड रे ट्यूब की थोड़ी सी जानकारी है। इसके बाद दूसरा आपको दे रखा है LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये इससे ज़्यादा विकसित है, यानी कैथोड रे जो होते हैं ना ट्यूब, ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये बहुत ही बड़े होते हैं आकार में, तो इनके पीछे वो ट्यूब कैथोड रे की वजह से लंबे होते हैं, तो इनको रखने में जो है ना ज़्यादा जगह का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा जगह घेरते हैं। इनमें कमी क्या है, इनकी कमी है कि ये ज़्यादा जगह घेरते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, ये इनकी कमी है, ध्यान रखना कैथोड रे ट्यूब की अगर कमी पूछ ली जाए, ज़्यादा जगह घेरते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल कम होता है, बाकी इनकी रिजोल्यूशन क्वालिटी वगैरह अच्छी होती है। इसके बाद विकसित हुए LCD वगैरह और फिर LED। तो LCD ये क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता है कि अब अपन इतनी लंबी लंबी जो है ना कैथोड रे नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, दो प्लेट्स लेंगे, उनके बीच में जो है क्रिस्टल, लिक्विड फॉर्म में क्रिस्टल लगा देंगे, और उन क्रिस्टल्स के अंदर जो है प्रतिदीप्ति होगी, और उस वजह से हमको इमेज नजर आएगी, जैसे आपको स्क्रीन पर इमेज नजर आ रही है यहाँ पर, तो दैट इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
हाँ आगे देखना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे आप डायोड वगैरह पढ़ते हो पीएन संधि डायोड, तो उनमें आपको इसका जो अनुप्रयोग है एलईडी वगैरह ये पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर एलईडी यूज की जाती है, तो ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे देखो इसमें हमारे जो है डायरेक्टर सर की क्वालिटी कितनी अच्छी नजर आ रही है, इमेज की क्वालिटी, तो ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एलईडी भी, एलसीडी भी अच्छी होती है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी एलईडी होती है, इससे ज्यादा अच्छी टीएफटी होती है। देखो टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी एलसीडी और एलईडी की तुलना में भी और थीन फिल्म होती है, यहाँ पर बहुत ही चपटा होता है, ये बहुत ही कम जगह करता, दिख रहा है वो कितना पतला है। हाँ आगे देखना, ये हो गए किसकी बात है, इन कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स की बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे मॉनिटर्स समझ में आ गए होंगे, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और टीएफटी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके सबसे पुराना कौन सा है, सीआरटी, अच्छा रिजोल्यूशन था लेकिन बेचारा जगह ज़्यादा घेर रहा था इसलिए इसका इस्तेमाल कम हो गया, अब नहीं मिलते मार्केट में। हाँ अब आगे पढ़ते हैं अपन इस मॉनिटर की कुछ विशेषता, यानी मॉनिटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है। तो देखना मॉनिटर जो होते हैं इसको लिए अपन को एक तो पिक्सल्स का पता होना चाहिए, दूसरा रिजोल्यूशन का पता होना चाहिए, पिक्सल्स एंड रिजोल्यूशन। पिक्सल्स या डॉट ये क्या होता है दोस्तों, देखना जैसे अगर अपन एक किसी भी वस्तु की बात करें, तो वस्तु जो होती है वो छोटे छोटे पदार्थों से कणों से मिलकर बनी होती है, उन कणों के अपन वो टॉप बॉटम में जाएं और गहराई में जाएं तो आपको अणु मिलते हैं, फिर आप गहराई में जाओ परमाणु, परमाणु के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐसे मिलते हैं। तो इसी तरह से आपको जो स्क्रीन नजर आती है, अगर आप उस स्क्रीन को देखो, कभी अपनी टीवी की कंप्यूटर की स्क्रीन को बिल्कुल गौर से देखो, पास जा करके देखो, तो आपको पता चलेगा स्क्रीन एक्चुअल में ये लंबा जो है ना, इसके अंदर छोटे 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 डॉट्स नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, बहुत सारे डॉट्स। तो ये डॉट्स, ये डॉट्स जो होते हैं ना, इन्हीं को पिक्सल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिक्सल। तो इस तरह से आपको बहुत सारे डॉट 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 नजर आएंगे, डॉट 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 इस तरह से। ओके तो ये पिक्सल्स है। अब देखना पिक्सल्स के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कि पिक्सल्स जो होते हैं ना, ये पिक्सल्स कैसे होते हैं, क्या ये इस तरह से, इसमें डॉट बोला तो क्या इस तरह से होंगे, या ये इस तरह से होंगे, मतलब कि ये गोलाकार वृत्ताकार होंगे, या जो है आयताकार या वर्गाकार होंगे, तो ये इस तरीके से होते, ऐसे पिक्सल्स नहीं होते। देखना कभी डॉट डॉट है ना, इसको आप जूम गौर करके देखो तो बिल्कुल गोल नहीं होता, इस तरह से चौकुर चौकुर डब्बे होते हैं ना, और डब्बे ये आरजीबी कलर होते हैं, और इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, जिस वजह से आपको अलग अलग जो है इमेज दिखाई देती है। ये जो पिक्सल्स है आपकी पूरी स्क्रीन पर व्यवस्थित होते हैं, और इन पिक्सल्स की वजह से आपको रिजोल्यूशन होता है, यानी पिक्सल्स की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी ही आपका रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन क्या है, जैसे मान लो ऐसे पिक्सल्स 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 मिल करके एक इमेज बना रहे, एक तस्वीर बना रहे, मैं बोल दूँ 620 पिक्सल्स, कितने 620 पिक्सल मिल करके इस तरह से एक लाइन में 620 है, ऐसा करके टोटल 200 लाइन है, कितनी लाइन है 200 लाइन है। तो आप बोलोगे कि एक फोटो है मेरे पास, उस फोटो के अंदर एक लाइन में 620 पिक्सल है और ऐसी इसमें 200 लाइन है, तो उसका रिजोल्यूशन बताइए। तो उसका रिजोल्यूशन अपन कैसे बताएंगे, इस फोटो का जो रिजोल्यूशन है ये रिजोल्यूशन 620 × 200 पिक्सल्स है। ओके 620 × 200 पिक्सल्स, तो रिजोल्यूशन समझ में आया, पिक्सल्स के बीच की दूरी जितनी कम होगी उनका रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है उसको डॉट पिच कहते हैं ना। तो अब देखना रिजोल्यूशन अच्छा कैसे होगा, कि आपके पिक्सल्स जो है ये पिक्सल्स ज़्यादा हो तो रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ओके तो रिजोल्यूशन भी समझ गया, पिक्सल भी समझ गए। अब देखना जैसे आपको वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो वीडियो वगैरह जो होते हैं इनमें क्या, पिक्सल्स लगातार जिल मिलाते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं, इस वजह से आपको वीडियो या चलचित्र नज़र आते हैं, तो एक पिक्सल कोई स्थिर नहीं होता, ये पिक्सल हमेशा जिल मिलाते रहते हैं। तो इस जिल मिलाने को आप जैसे देख भी सकते हो, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन लो, टीवी की स्क्रीन लो, जैसे आप एग्जांपल के लिए टीवी की स्क्रीन ले सकते हो, उस टीवी की स्क्रीन का फोटो खींचने की कोशिश करो मोबाइल के कैमरा में, तो आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करोगे और उससे अगर टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखोगे तो आपको ये सारे जो पिक्सल से ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे, एकदम क्लियर इमेज नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी फ़ोन से आप कंप्यूटर की स्क्रीन का एकदम क्लियर इमेज नहीं ले सकते, क्योंकि वो पिक्सल्स ब्लिंक करते रहते हैं। ओके तो यहाँ से पता चल रहा है पिक्सल्स कैसे ब्लिंक करते हैं। हाँ कभी आपके फ़ोन के ऊपर पानी की एक बूंद गिर गई हो स्क्रीन पर, तो भी आपने देखा होगा आपको सारे पिक्सल जो होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह से पिक्सल्स वगैरह की जानकारी, ये हो गए मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में देखना दोस्तों, ये मॉनिटर की जानकारी इतनी थी। आगे अपन बात करते हैं प्रिंटर की, दूसरा आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर। तो अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटर्स की, अगले आउटपुट डिवाइस क्या है अपना, प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा अपन क्या काम करते हैं, प्रिंटर के द्वारा अपन जो है वो कोई भी सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी, उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किस रूप में, हार्ड कॉपी। देखना कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कोई बुक की पीडीएफ वगैरह है, तो वो जब तक कंप्यूटर के अंदर है तब तक उसको अपन सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, यानी उसको आप देख सकते हो, उसको आप छू नहीं सकते,
ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसका प्रिंट निकलाते हो प्रिंटर से, तो उसका प्रिंट आपके हाथ में आ गया। अब वो प्रिंटआउट निकल के आ गई, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। तो जब तक हमारे पास नहीं है तब तक सॉफ्ट है, हमारे पास आते ही हार्ड कॉपी बन गया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ डेटा की, तो ये हार्ड कॉपी बन गई। अब प्रिंटर की अपन बात करें तो इतना तो पता है प्रिंटर का, प्रिंट करने काम आते हैं, तो कोई भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करके आपको देता है। इन प्रिंटर के बारे में अपन देखते हैं प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर देखेंगे अपन, और दूसरा प्रिंट एप्लीकेशन के आधार पर देखेंगे। प्रिंट कैपेसिटी यानी प्रिंट करने की क्षमता, और प्रिंट एप्लीकेशन यानी कि कैसे अनुप्रयोग के उस आधार पर। तो पहले प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर देखें तो प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर लाइन, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। एप्लीकेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की, प्रिंटर के प्रिंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो कैरेक्टर, कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आप टाइप करते हो तो जो एक वर्ड, एक अक्षर आप दबाते हो, उस एक अक्षर को एक कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो यहाँ पर ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, और सी एक कैरेक्टर है। कुल कितने कैरेक्टर है यहाँ पे, तीन कैरेक्टर है। आई बात समझ में? तो कैरेक्टर क्या होता है, जो एक अक्षर टाइप किया गया उसको एक कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, वे प्रिंटर जो एक बार में केवल एक अक्षर को या एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं उनको अपन कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। अगले हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर थोड़े एडवांस होते हैं कैरेक्टर से। ये क्या होते हैं, वे प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर। अगले होते हैं पेज प्रिंटर, वे प्रिंटर जो एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं उनको अपन पेज प्रिंटर कहते हैं। ओके, तो कैरेक्टर प्रिंटर आपको समझ में आ गया, लाइन प्रिंटर समझ में आ गया, और पेज प्रिंटर समझ में आ गया। अब इनकी जो स्पीड होती है उस स्पीड को कैसे मापा जाता है, तो ध्यान रखना कैरेक्टर की जो प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर पर मिनट में मापे जाते हैं। किसमें, CPM में। कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड CPM में मापी जाती है, यानी कैरेक्टर पर मिनट। हाँ, लाइन प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, LPM में, लाइन पर मिनट। और पेज प्रिंटर की स्पीड PPM में मापी जाती है। PPM क्या है, ये पेज पर मिनट। देखो PPM से मेरे दिमाग में केमिस्ट्री चलने लगी, केमिस्ट्री में अपन PPM पढ़ते हैं, वो पार्ट्स पर मिलियन होता है, वो वाला PPM नहीं है। यहाँ पर प्रिंटर की स्पीड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंटर की स्पीड पेज पर मिनट, और यहाँ पर क्या है, लाइन पर मिनट, और ये क्या है, कैरेक्टर पर मिनट। ओके, तो इनकी स्पीड ध्यान रखना, स्पीड के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार पर प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर अब तेरी बातें करेंगे। क्या होता है इंपैक्ट प्रिंटर, वे प्रिंटर जिनमें आप कोई भी चीज अगर प्रिंट करते हो तो उसमें जो कागज होता है वो, और उसके ऊपर एक रिबन होता है जो शाही में भीगा होता है, और उसके पीछे कैरेक्टर या फिर अक्षर होता है। तो कागज ये रहा, इसके ऊपर एक रिबन होगी जो किसमें भीगी होगी, शाही में भीगी होगी, और इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर होगा, अक्षर होगा। ये इस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इसके पीछे कैरेक्टर जो होगा, ये जहां पर होगा कैरेक्टर उसको हैमर कहेंगे। क्या कहेंगे, हैमर या प्रिंट हेड कहेंगे। तो प्रिंट हेड से प्रहार किया जाएगा इस रिबन के ऊपर, और वो अक्षर प्रिंट हो जाएगा पेपर के ऊपर। प्रिंट हेड से प्रहार किया जाएगा इस रिबन के ऊपर, और वो अक्षर प्रिंट हो जाएगा इस पेपर के ऊपर। प्रिंट हेड से प्रहार किया जाएगा रिबन के ऊपर, और वो अक्षर प्रिंट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर इस पेपर के ऊपर, और फिर ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, सॉरी इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, वे प्रिंटर जिनमें कागज होता है, रिबन होता है जो शाही से भीगा होता है, और एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो प्रहार करता है, और उसकी वजह से अक्षर छप जाते हैं बीच में, उस अक्षर और कागज के बीच में शाही से भीगा हुआ रिबन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो देखना अगर इंपैक्ट प्रिंटर चल रहा है तो आपको पता है हथौड़े से प्रहार किया था खटखट आवाज आएगी, है ना। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता, इनमें ना तो हैमर होता है ना ही कोई रिबन होती है जो शाही में भीगी हो, तो ऐसी आवाज नहीं आती, ये अलग तकनीक पर काम करते हैं, एडवांस होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। बात कर लेते हैं भैया इंपैक्ट प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर कैसे क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर इनको समझते हैं। तो देखना इंपैक्ट प्रिंटर बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहले बात करें DMP की, एक तो होता है DMP, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है चेन प्रिंटर, और एक होता है बैंड प्रिंटर, और एक होता है ड्रम प्रिंटर। अब देखो अपन बात इनमें भी देख ले, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। पहले अपन बात करेंगे DMP की। DMP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट, डॉट का मतलब क्या है, बिंदु। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट मिला करके
कोई अक्षर लिखा जाता है, कोई शब्द लिखा जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने आई लिखा है ना, तो ये जो आई लिखा कैसे लिखा गया, छोटे 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 डॉट बनाए, उन डॉट से क्या है कैरेक्टर आई बन गया। अब ये आई कब अच्छा बनेगा, जब ये सारे डॉट डॉट पास 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 होंगे तब अच्छा बनेगा, जब ये सारे कैरेक्टर दूर 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 होंगे तब अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हो अगर ये दूर दूर होते तो कुछ इस तरह का बनता, और ये पास पास है तो कुछ इस तरीके का बना। तो कैसा आई ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है और ये गंदा है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा ये अच्छी क्वालिटी का कब होगा, जब इसके जो डॉट्स होंगे ये पास पास होंगे, इनके बीच में गैप नहीं होगा। और घटिया क्वालिटी का कब होगा, जब ये डॉट्स दूर दूर होंगे। तो ध्यान रखने लायक बात, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर डॉट्स पास पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक कागज होता है, रिबन होगी जो साई से बिकी होगी, और पीछे डॉट्स होंगे, और जो भी टाइप करना होगा हैमर से प्रहार किया जाएगा और वो कैरेक्टर सामने आएगा, रिबन पे टकराएगा और वो चीज़ टाइप हो जाएगी। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिंट तो नहीं देते, लेकिन यूज़ ज़्यादा होता है, इनका यूज ज़्यादा होता है सरकारी जगहों पर, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में खर्चा कम है ना, डॉट डॉट के रूप में सही निकलेगी तो सही कम खर्च हो जाएगी। यहाँ पर देखना, आपने देखे भी होगी, जैसे आपके घर पर बिजली का बिल आता है, तो आप जब भी अगली बार बिजली का बिल आए तो जो प्रिंट आउट आपको मिले उसको देखना, उसमें जो आपके नाम पता वगैरह लिखे होते हैं वो डॉट 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 से मिल करके बने होते हैं। तो ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होकर के आया है। अब आप पहचान भी कर सकते हो कि कौन सा पेपर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होकर आया है। तो अक्सर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट होकर आते हैं वो पेपर के दोनों साइड में इस तरह से छेद होते हैं, जैसे आप बिजली का बिल वगैरह देखते हो तो उसके दोनों साइड में छेद होते हैं। ये छेद क्यों होते हैं, ताकि जो मशीन के अंदर कागज चले तो उसको पकड़ने के लिए जगह मिल सके, तो उस वजह से छेद है। तो छेदीला कौन सा होता है, ये डीएमपी होता है, मतलब पेपर डीएमपी के अंदर यूज होता है। अगला अपन पढ़ रहे हैं डेजी विल प्रिंटर, कौन सा, डेजी विल, डेजी, डेजी क्या होता है, डेजी फ्लोवर होता है, फूल होता है, कौन सा फूल, डेजी, जिसको गुलबहार कहते हैं, गुलबहार, बहार आई, हाँ गुलबहार, गुलबहार जो होता है एक फूल होता है। और इस डेजी विल प्रिंटर में क्या होता है कि इस प्रिंटर के अंदर जो वर्ड या कैरेक्टर्स होते हैं वो डेजी विल, डेजी फ्लोवर की शेप में होते हैं सारे कैरेक्टर। जो हैमर होता है वो हैमर प्रिंटर हेड होता है वो इस फूल की शेप में होता है। जैसे आप अगर इस फूल को देखो तो इस तरह का ये फूल होता है, इस तरह का, ऐसे बहुत सारी इसकी पंखुड़ियाँ होती है, मैंने तो कम बनाई, बहुत ही घनी होती है, इस तरह का फूल होता है। तो इस डेजी विल प्रिंटर के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन ही बनती है, जैसे पहले वाले में क्या थी, पिन थी, डॉट्स थे, और यहाँ पर क्या है, एक गुलबहार फूल की शेप में सारे के सारे कैरेक्टर्स मौजूद है। अब पेपर होगा, रिबन होगी जो शाही से बिकी होगी, और पीछे डेजी विल फ्लोवर टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो प्लास्टिक का बना होगा, इस पे सारे कैरेक्टर्स होंगे। जो चीज़ टाइप करनी होगी, जो अक्सर टाइप करना होगा, हैमर से प्रहार किया जाएगा और वो चीज़ टाइप हो जाएगी पेपर के ऊपर। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर कौन से होते हैं, इसमें भी वही है, सारा नॉन इम्पैक्ट है, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो पेपर होगा, रिबन होगी जो साई से बिगी हुई होगी, और उसके ऊपर कैरेक्टर्स वगैरह जो अक्षर वगैरह होंगे उनको प्रिंट हेड से प्रहार किया जाएगा और वो छप जाएंगे पेपर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो चेन होगी ये धातु की बनी होगी, किसकी बनी होगी, धातु की बनी चेन होगी। तो देखना, धातु की बनी चेन है तो चेन क्या करेगी, जब इस पर प्रहार होगा तो पूरी लाइन एक बार में टाइप हो जाएगी, यानी स्पीड इनकी अच्छी खासी होती है, फास्ट होती है इनकी स्पीड, अच्छी खासी स्पीड रखते हैं ये, फास्ट, थोड़े फास्ट होते हैं। ओके, बेंड प्रिंटर, बेंड प्रिंटर क्या होता है, सेम टू सेम चेन प्रिंटर जैसे ही होता है, लेकिन इसमें चेन की जगह पर बेंड पाया जाता है जो स्टील का बना होता है, स्टील का एक बेंड होता है जो चेन की जगह पर पाया जाता है। ओके, बाकी सेम कंडीशन है, क्या है, पेपर है, रिबन है, पीछे से अक्षर पर प्रहार किया जाएगा और छप जाएगा। ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है, उस बेलनाकार ड्रम के ऊपर सारे अक्षर वगैरह छपे होते हैं, और इस ड्रम का जब एक घूर्णन पूरा होता है उस समय एक लाइन की छपाई पूरी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस पर जो है ड्रम जो होगा उस ड्रम पर अक्षर होंगे, और रिबन होगी, पेपर होगा, ड्रम का जो अक्षर होगा उस रिबन के ऊपर आएगा, प्रहार किया जाएगा और नीचे पेपर पर छप जाएगा, यह सारी कहानी है। अब देखना, इसका एक गुणन पूरा होगा तो ड्रम प्रिंटर का तो एक लाइन पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये भी फास्ट है, अच्छा खासा टाइपिंग कर लेता है स्पीड से। ये हो गई नॉन इम्पैक्ट, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर की बात है। अब अपन बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनके अंदर ना तो रिबन होती है जो शाही से बिगी हो, ना ही इनके अंदर प्रिंट हेड या हैमर होता है जो प्रहार करे, मतलब इनमें आवाज़ नहीं आएगी वैसी वाली जैसे उनमें आ रही थी। और दूसरी बात है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के। इनके उदाहरण में सबसे पहले आता है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर इंक भरी रहती है, और एक जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो पिन होती है वैसी ही पिन इसके अंदर होती है, और उस पिन को यहाँ पर क्या बोला जाता है, जेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जेट। तो जेट के अंदर शाही वगैरह भरी रहती है, और जो अक्षर जो शब्द प्रिंट करना होता है
उस जेट की अगली नोक से वो स्याही निकलती है और उस चीज़ को प्रिंट कर देती है। जिस हिस्से से स्याही निकलती है उस हिस्से को नोजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोजल। तो नोजल से स्याही निकलती है किसमें? इंक जेट प्रिंटर में। ध्यान रखना सिंपल है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन डॉट मैट्रिक प्रिंटर की पिन जैसी पिन इसमें होती है, लेकिन वैसा ऐसा नहीं होता कि रिबन वगैरह ऐसा होगा, कुछ नहीं। इसके अंदर जेट के अंदर ही जो होती है वो स्याही भरी रहती है और नोजल के थ्रू बाहर निकलती है और अक्षर को टाइप कर देती है। अगले आते हैं लेजर प्रिंटर, ये और ज़्यादा एडवांस है। इनमें लेजर किरणों का यूज़ किया जाता है, लेजर किरणों का, और लेजर किरण का यूज कर करके वहाँ पर अक्षर प्रिंट कर दिए जाते हैं। अब चूंकि लेजर किरण है तो अब पहले के जो प्रिंटर है इनमें तो आप सिर्फ कागज पर छपाई कर पा रहे हो, लेकिन इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अब लेजर प्रिंटर से आप छपाई जो है किसी शीट वगैरह पर, प्लास्टिक शीट पर भी छपाई वगैरह काम कर सकते हो। ये ज़्यादा एडवांस है। अगले होते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी एडवांस प्रिंटर है, नॉन पैक प्रिंटर है। इसमें क्या होता है, मोम वगैरह होती है, उसमें हल्का सा ताप दे करके उसको पिघला करके उसी को प्रिंट करके निकाल दिया जाता है। तो थर्मल प्रिंटर ज़्यादा जो है अच्छे प्रिंटर होते हैं, एडवांस प्रिंटर होते हैं। जैसे एटीएम मशीन में जो प्रिंट आउट निकल के आती है वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट आउट करके आती है। तो ये जो हो गए सारे प्रिंटर के बारे में जानकारी, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, कौन से क्या होता है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना ताकि सारी चीज़ दिमाग में सेट हो जाए, सेट हो जाएगी तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आगे अपन क्या करते हैं, 3 दिन क्लास हो गई तो 3 दिन की क्लास में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग एवरेज अच्छे क्वेश्चन। वैसे बोला जाए तो बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं हर लाइन के, लेकिन अच्छे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन थोड़े देख लेते, प्रैक्टिस कर लेते क्वेश्चन की, ताकि अपना जो है ये काम अच्छे से हो जाए। तो देखना क्वेश्चन, सॉरी प्लॉटर और पढ़ लेते। जैसे आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, प्रिंटर और मॉनिटर मेन हो गए थे, कुछ चीज़ें और बढ़ रही है जैसे प्लॉटर और स्पीकर। प्लॉटर क्या होता है, जैसे नक्शे प्रिंट आप देख रहे हो, प्रिंटर तो छोटा सा होता है, अपने घरों में अपन रख सकते हैं। प्लॉटर बड़े बड़े होते हैं, प्रिंटर मतलब एक तरह से बड़े प्रिंटर होते हैं, और इनसे क्या प्रिंट किया जाता है, जो बड़े बड़े मकान, दुकान, भवन होते हैं इनके नक्शे प्रिंट करे होकर निकलते हैं, और बड़े बड़े जो बैनर होते हैं ये प्रिंट होकर के निकलते हैं, तो वो प्लॉटर कहते हैं उसको। ओके, तो प्लॉटर से आप 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हो। दूसरा स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा ऑडियो या आवाज़ सुनी जाती है वो स्पीकर होता है। स्पीकर आप सबने देख रखा है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक प्रोजेक्टर और है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि ये जो होता है प्रोजेक्टर, इसके द्वारा आप है प्रोजेक्टर के द्वारा आप बड़े पैमाने पर स्क्रीन को या पिक्चर को, वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर जैसे आप सिनेमा घरों में गए होगे, पिक्चर देखी होगी, तो वहाँ पर पीछे से एक लाइट डाली जाती है और आगे पर्दे पर आपको सब कुछ नजर आता है, प्रोजेक्टर है ना। तो प्रोजेक्टर जैसे LCD प्रोजेक्टर हो सकते हैं, DLP प्रोजेक्टर हो सकते हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्टर के भी टाइप होते हैं। आगे अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं 3 दिनों की। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने, ये रहा। स्कैनर को कहा जाता है, या क्या कहा जाता है स्कैनर को, कंप्यूटर की नींव। कंप्यूटर की नींव कहने का क्या मतलब है, अगर कंप्यूटर की नींव कहा तो मतलब स्कैनर के बेस पर कंप्यूटर बनाया, ऐसा तो नहीं है, तो कंप्यूटर की नींव नहीं कह सकते। कंप्यूटर की भाषा, नहीं, कंप्यूटर की भाषा मैंने आपको बताई थी ना, कंप्यूटर जो है वो C++ जावा इस तरह की भाषा समझता है। स्कैनर क्या है, तो एक उपकरण है, कोई भाषा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कंप्यूटर का प्रोग्राम, क्या स्कैनर कोई प्रोग्राम है, नहीं प्रोग्राम नहीं है, क्या सॉफ्टवेयर थोड़ी, ये तो हार्डवेयर है। कंप्यूटर की आँख, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, सोचो क्या काम कर रहा है स्कैनर, कोई भी आपके पास फोटो है या लिखित डाटा है उसको आप उस पर रख रहे हो स्कैनर पे, वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा रहा है। स्कैन करना मतलब एक तरह से देखने जैसा सा हो गया, तो ये चीज़ क्या कर लेगी, कंप्यूटर की आँख। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, कंप्यूटर की आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी डिवाइस किसी कागज पर पेन या पेंसिल के चिन्ह की उपस्थिति को जांच सकती है, मतलब कागज के ऊपर पेन पेंसिल से निकला इसको चेक कौन कर सकती है। लाइट पेन, ये रहा लाइट पेन, ये क्या किसी कागज पर पेन पेंसिल से लिखा उसको चेक कर सकता है, नहीं, ये तो खुद ही लिखने का काम आ रहा है। प्रिंटर, ये तो प्रिंट करने का काम आती है, तो ये भी नहीं हो सकता, लाइट पेन नहीं हो सकता, प्रिंटर नहीं हो सकता। मॉनिटर, मॉनिटर क्या काम आ रहा है, जो देखने के काम आ रहा है, जो भी कुछ कंप्यूटर के अंदर है उसको अपन विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उसके काम आ रहा है, तो ये भी नहीं है। OMR, ये OMR क्या चाहिए चीज़ है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो OMR है। तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें आप जैसे ऑप्शन 1 है, पहला प्रश्न, इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, आपने पहला टिक किया, किसी में दूसरा टिक किया, किसी में तीसरा टिक किया, और ये टिक कर करके फिर अपन देते हैं, तो OMR के अंदर डाला जाता है, और फिर पेन या पेंसिल से आपने जो टिक कर रखा उसको वो पढ़ता है और कंप्यूटर में सूचना पहुंचाता है, सही गलत का फैसला होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, इनपुट और आउटपुट दोनों। बबलू बना लेते हैं इस क्वेश्चन के पास, बबलू इम्पोर्टेंट है ना। देखना निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों है। इनपुट, इनपुट क्या होते हैं, जिनके द्वारा डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है। आउटपुट क्या होता है, जिनके द्वारा डेटा प्राप्त हो रहा है। तो दोनों ही काम एक साथ कौन कर रहा है, स्पीकर। क्या कर रहा है, क्या स्पीकर के द्वारा आप ऑडियो सुन रहे हो तो बाहर आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज पा रहे हो क्या, नहीं। तो ये तो आउटपुट है, स्पीकर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, ओडी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट नहीं है, तो स्पीकर तो गलत हो गया।
दूसरा देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर से अभी बताया कि आप अंदर की जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लेकिन मॉनिटर से आपको इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं भेज सकते, तो ये भी गलत हो गया। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर से आप कोई भी प्रिंट होती है उसको प्रिंट आउट निकालते हो, तो ये चीज़ें आपको आउटपुट दे रही है, तो ये हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मोडेम, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? मोडेम। अब ये मोडेम क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, ये मान लो एक कंप्यूटर है, किसी का पीसी है कंप्यूटर। अब देखना, जैसे अपन इसको फ़ोन के जरिए आसानी समझ सकते हैं कि भाई मान लो किसी का एक फ़ोन है, फ़ोन नहीं मानो कंप्यूटर मानो कुछ भी मानो, तो फ़ोन से आपको सिग्नल भेज रहे हो, तो फ़ोन से जो सिग्नल होते हैं या कंप्यूटर से जो सिग्नल होते हैं ये बाइनरी सिग्नल निकल रहे हैं। कैसे सिग्नल? बाइनरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बाइनरी डिजिटल सिग्नल है। ये डिजिटल सिग्नल एक उपकरण के पास जाते हैं जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर, इसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं। ये मॉड्यूलेटर क्या है? ये मोडेम है, इस उपकरण को मोडेम नाम देते हैं, मोडेम। और ये एक तरह का मॉड्यूलेटर है, यानी इसको मॉड्यूलेशन कर देता है। मॉड्यूलेशन कैसे करता है? आपने तो दिए डिजिटल सिग्नल, कौन सा सिग्नल दिए? डिजिटल सिग्नल को ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है, ये इस तरह से एनालॉग सिग्नल में। ओके, ये एनालॉग सिग्नल। अब ये एनालॉग सिग्नल अगले के पास जाएंगे तो भी एनालॉग, फिर अगले के पास एक उपकरण होगा डीमॉड्यूलेशन के लिए। किसके लिए? डीमॉड्यूलेशन के लिए, वहाँ पर उसके पास भी मोडेम होगा, और फिर वो इसको वापस से किस में चेंज कर देगा? वो इसको वापस से बाइनरी में या डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा, और अगले कंप्यूटर के पास ये सिग्नल वापस से पहुँच जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि एक कंप्यूटर या किसी व्यक्ति के पास जो है सूचनाएं थी वो भेज रहा है, तो वो डिजिटल संकेत में भेज रहा है, बाइनरी में, है ना। वो एक मॉड्यूलेटर उपकरण है, मॉड्यूलेटर क्या करता है? इसका मॉड्यूलेशन करके इसको बाइनरी को एनालॉग में चेंज कर देता है, और ये अगले के पास एनालॉग में पहुंच रहे हैं। अब वो एनालॉग वाला वापस से डीमॉड्यूलेशन करके इसको बाइनरी में चेंज करके अगले को पहुंचा देता है। आगे बात समझ में? तो ये पूरी इसकी प्रोसेस होती है। तो देखो यहाँ पर जो मॉडेम है, यहाँ पर इस मॉडेम को देखें, तो यहाँ पर इस मॉडेम के अंदर सिग्नल आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनका इनपुट, और यहाँ से इस दूसरे अंदर पहले के अंदर से तो क्या कर रहा है? ये आउटपुट, इस कंप्यूटर के लिए तो ये आउटपुट कर रहा है, इस कंप्यूटर के लिए इनपुट कर रहा है ये वाला मॉडेम। ओके, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह ही काम कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? राइट, डी वाला। तो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, 12वां चैप्टर एनसीईआरटी। हाँ, आगे अपन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना, ये फिजिक्स के अंदर चैप्टर है, कंप्यूटर से मिलता जुलता। चौथा, इनपुट आउटपुट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी के द्वारा, नहीं कर सकते इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल सीपीयू समझते हैं इसको। फर्स्ट वर्ड में बताया था ब्लॉक डायग्राम, किसका? कंप्यूटर का। क्या होता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझना? जैसे कोई भी सूचना होती है इसको आप कंप्यूटर के अंदर भेजते हो, उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट जो सूचना कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हो, ये कहाँ पर जाती है? सीपीयू में, और सीपीयू के बाद वो सूचना हमको प्राप्त होती है, ये चीज़ क्या है? आउटपुट। तो सीपीयू क्या करता है? इनपुट को तो प्राप्त करता है और किस में बदल देता है? आउटपुट में। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कंप्यूटर के इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? मतलब जो व्यक्ति टाइपिंग नहीं कर पाते, कंप्यूटर में कोई सूचना डाल लेंगे उसके लिए टाइप नहीं कर पाते, तो उनके लिए और कौन सा ऑप्शन है या कौन सा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग करके वो ऐसा कर सकते हैं? ऑडियो डिजिटाइजर नहीं कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, सिंथेसाइजर नहीं कर सकते, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ये कर सकते हैं। देखना क्या होता है, कोई भी चीज़ है, आप पहले जैसे मान लो आप फ़ोन लेकर बैठे हो, तो आप फ़ोन पे कुछ भी गूगल पे टाइप करना तो पहले टाइप करते थे। आज का टाइम कैसा है, आपको टाइपिंग के पास में ऐसा सा ऑप्शन दिखता है, ऐसा माइक सा बना हुआ है ना, आप उस पर क्लिक कर देते हो, उस पर क्लिक करते हो तो वो आपका ऑडियो सुनता है, फिर आपको कुछ बोलना होता है ना, तो आप जो भी बोलते हो, जैसे श्री राम कोचिंग क्लासेस बोला तो यूट्यूब पर सर्च हो जाएगा या गूगल पर सर्च हो जाएगा, जो भी आपने ओपन कर रखा होगा तो सर्च हो गया, तो आपकी जो स्पीच है उसको रिकॉग्नाइजेशन करके वो समझ जाता है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो व्यक्ति कंप्यूटर के तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर टाइप नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो टाइप नहीं कर सकता तो भी आप इसको इनपुट कर सकते हो अंदर। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस युक्ति का प्रयोग बैंकों में सर्वाधिक करते हैं? बैंक में सबसे ज़्यादा कौन सा काम आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, देखना, माउस का, OCR का, MICR का क्या होता है? ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? उस दिन भी समझाया था कि ये जैसे चेक ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, तो इन पर मैग्नेटिक इंक से जो लिखा होता है उसको पढ़ने का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बैंक में किसका ज़्यादा हो रहा है? तो बैंक में मान लो 5 MICR, कितने? 5 MICR, और बैंक में 15 कंप्यूटर है, PC कितने हैं? 15। तो 15 कंप्यूटर पर 15 माउस होंगे, 15 स्कैनर होंगे, और 15 जो मान लो ये चीज़ मॉनिटर वगैरह होंगे।
तो आप बोलोगे यहाँ पर तो ये 5 MICR है और 15 माउस है, तो ज़्यादा तो माउस का हो गया। तो देखना, मैं संख्या की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उपयोग की दृष्टि से। MICR का सिर्फ बैंक में ही यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा उपयोग MICR का होगा। माउस तो आप मार्केट में किसी के पास देख सकते हो, हर किसी छोटे मोटे दुकानदार के पास भी अगर PC है तो उसके पास माउस होगा। तो ये MICR जो होगा वो बैंक वाले के पास होगा। तो ये उपयोग की दृष्टि से बताया जा रहा है, संख्या की दृष्टि से नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बैंकों में सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब अधिक, मतलब संख्या अधिक मत समझ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस माउस नहीं हो सकता, कीबोर्ड नहीं हो सकता, प्रिंटर नहीं हो सकता, मॉनिटर। कैसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस? देखो माउस तो हो नहीं सकता, क्योंकि माउस तो इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर प्राथमिक नहीं है। क्यों? आपके घर पे बोलो, घर पे अगर कंप्यूटर है तो आपको पता है कंप्यूटर जो होता है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है ना तो एक बार कंप्यूटर चल जाता है, प्रिंटर नहीं होगा तो प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, बस इतना सा है। लेकिन अगर आपके पास मॉनिटर ही नहीं होगा तो क्या आप कंप्यूटर चला पाओगे? नहीं। तो पहली ज़रूरत क्या है? मॉनिटर पहली ज़रूरत है, पहली आवश्यकता है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक आउटपुट, यानी पहले इसकी ज़रूरत है। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? देखना, अगर आपकी लाइट चली जाए तो भी कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए, डेस्कटॉप जो आपका PC वो बंद नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप किसको यूज़ में लेते हो ज़्यादातर? तो इसके लिए UPS का यूज़ लिया जाता है। किसका? UPS। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ UPS? यूनिट रिप्टाइल पावर सप्लाई, या इसको यूनिट रिप्टाइल पावर सोर्स भी कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है कि UPS लगा होता है कंप्यूटर। आपके पास अगर PC हो तो आपको पता होगा, कहीं देखो एक छोटा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे में पिन वगैरह लगा देते हैं कंप्यूटर्स की। तो एक बार अगर लाइट चली भी जाए तो डायरेक्ट कंप्यूटर बंद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए चलता है, 10-5 मिनट के लिए। इन्वर्टर, तो इन्वर्टर से तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर में अनवरत, इन्वर्टर तो पूरे घर में सप्लाई कर रहा है, सिर्फ कंप्यूटर की अगर बात करें तो। जनरेटर नहीं, बैटरी नहीं, कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप UPS, इसमें सही आंसर टिक होगा। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप सर कंफ्यूज होकर भाई इन्वर्टर भी करते, जनरेटर भी करते, सारे से लग रहे, तो ऐसा नहीं, इसमें UPS दे सकते अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किससे इंक जेट प्रिंटर में प्रिंटर होती है? देखो इंक जेट प्रिंटर जो होता है उसमें प्रिंटिंग किसके द्वारा होती है? टोनर नहीं, ड्रम नहीं, ड्रम तो जो होता है वो इंक जेट प्रिंटर में प्रिंटिंग, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किसमें? ड्रम इम्पैक्ट में। टोनर की मैंने बात नहीं की, टोनर क्या होती है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्याही होती है, पाउडर, स्याही का पाउडर जो होता है वो टोनर होता है, पाउडर टोनर। ओके, नोजल क्या होता है? अभी आपको समझाया ना, जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं उसमें इस तरह से बहुत सारे, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर में पिन होती है, वैसे इसमें जेट होता है। क्या होता है? जेट। और जेट का जो सिरा जहाँ से स्याही निकलती है और प्रिंटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? नोजल। तो किसकी वजह से प्रिंटिंग होती है? नोजल की वजह से, अभी तो बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा? नोजल। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर को मौसम की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आपको कल भी बताया था, सबसे एडवांस कंप्यूटर, सबसे भारी कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर है इसको मौसम की भविष्यवाणी के लिए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या बताया था, कहाँ उपयोग होता है? ये वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल होता है, ये तकनीक और रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो मौसम की भविष्यवाणी तो तकनीक रिसर्च से संबंधित है, तो यहाँ पर अपन सुपर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, अपने घर के कंप्यूटर से मौसम की गणनाएं नहीं कर सकते भैया। हाँ, आगे देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, याद आ गया, PDP-8। हाँ, अगला आपके लिए क्वेश्चन है, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि जो PDP-8 है ये किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, उसका पूरा नाम क्या था? तो जो अगर पिछली क्लास देखी आपको याद है तो कमेंट करके बताया, याद नहीं है तो देख करके कमेंट करके बताना PDP की फुल फॉर्म, सॉरी इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी और इसकी फुल फॉर्म क्या थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहला गणना यंत्र है, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? घड़ी। घड़ी से गणनाएं कर सकते हैं क्या? नहीं, समय देख सकते हो तो घड़ी तो नहीं हो सकती। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से आप गणनाएं कर सकते हो। तो क्या दुनिया में सबसे पहले कैलकुलेटर बने थे? नहीं, ये भी नहीं होता। डिफरेंस इंजन, नहीं डिफरेंस इंजन नहीं हो सकता, ये तो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया, और बाद में इसी को मॉडिफाइड करके एनालिटिकल इंजन बनाया। इस डिफरेंस इंजन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, तो ये कहीं पर भी गणना करने के लिए यूज तो होगा, लेकिन ये बहुत बाद में यूज हुआ। सबसे पहला पूछ रहा, पहले बनाया था क्या? नहीं, ये तो 1822 में नहीं, अभी भी बनाया तो सबसे पहले अबेकस बनाया गया। क्या बनाया गया? अबेकस। अभी अबेकस क्या होता है? पहली क्लास में आपको विद डायग्राम समझाया था कि आप जब छोटे थे आंगनवाड़ी में जाते थे तो आपको खिलौना सा देते थे जिसमें मोती होते थे, इधर करते जाओ उसको काउंट करते जाओ, वो अबेकस है। तो उसी के द्वारा आपने भी सबसे पहले गिनती उससे सीखी और दुनिया ने भी सबसे पहले गिनती उसी से सीखी। किससे? अबेकस से। इस अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखना, आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ डिटेल से नहीं पढ़ाई, सिर्फ सन बता दिया और क्या चीज़ यूज हो रही है बता दी, वरना पढ़ा जाती है और भी बहुत कुछ है। आपको जो क्वेश्चन बनता है वो सीधा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी में आते हैं। तो ध्यान रखो, इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, पंचवटी VTI, इसको क्या पढ़ना है, पंचवटी VTI। ओके, ये इशू सर की ट्रिक है, ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक है, अच्छे से क्वेश्चन करा देगी कंप्यूटर की पीढ़ियों के जो आएंगे। पंच से आपको याद रखना है, पंच से आपको याद रखना है 5, 1, 2, 3, 4, 5। वटी से आपको याद रखना है VT और I। ओके, तो यहाँ पर जो V है, V का मतलब है वैक्यूम ट्यूब। क्या मतलब है? वैक्यूम ट्यूब का क्या मतलब है? वैक्यूम ट्यूब का मतलब है निर्वात नली। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, एक के सामने वी आ रहा है, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। दो के सामने क्या रहा है? टी। टी का मतलब है ट्रांजिस्टर। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी जनरेशन क्या है, इसके सामने आई आ रहा है। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया गया। किसका? IC का। जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें VLSI का प्रयोग किया गया। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI। VLSI क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो बोलो, माइक्रो प्रोसेसर प्रथम पीढ़ी में है क्या? नहीं, प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC। माइक्रो प्रोसेसर कौन से में आए? चौथी पीढ़ी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। तो ये मैंने तो ट्रिक इसलिए बताई कि आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों में क्या इस्तेमाल किया गया था इसको याद रखने में दिक्कत ना हो, है ना। क्या याद रखना है? पंचवटी लिखना, कैसे जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, पंच का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो, और वटी का VTI लिख दो। और इसके बाद दोनों में क्या है, चौथे और पांचवे में VLSI और ULSI, ये इनके अंदर इस्तेमाल किए गए थे। और भी करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये कहता है प्रिंटर रेजोल्यूशन किस में आकी जाती है, मतलब प्रिंट करते हो ना, वो प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, रेजोल्यूशन कैसा, वो किस में मापी जाएगी? बीट पर इंचेस? नहीं, डॉट पर इंचेस में मापी जाती है। किसमें? DPS। इसको क्या कहते हैं? DPS। तो ये याद रख लेना, प्रिंट जो रेजोल्यूशन होता है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन, वो DPS में मापा जाता है, DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच DPI में मापा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ओके, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हो गई भैया कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और भी करेंगे बातें लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।